इस वीडियो में हिंदी से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। क्वेश्चन नंबर एक कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लिए लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भीमराव अंबेडकर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दो कहता है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीन कहता है, बीस के दांत पाठ की विद्या है। कहानी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर चार कहता है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा। इसका ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पाँच कहता है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? इसका ऑप्शन है मनुष्यता के, सभ्यता के, पाश्विवृत्ति के और सौंदर्य के। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पाश्विवृत्ति के। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, नागरी लिपि निबंध के लेखक है। इसका ऑप्शन है गुणाकर मूले, अज्ञे पंत प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुणाकर मूले। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सात कहता है, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्मला ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आठ कहता है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नौ कहता है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सातवीं पीढ़ी के। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर दस कहता है, अविन्यो किस देश में है। रूस, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर ग्यारह कहता है, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी। तो लेखक के पिता ने 3 मछलियाँ खरीदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तेरह कहता है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अहिंसक प्रतिरोध। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौदह कहता है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पंद्रह कहता है, रसखान के शवय की भाषा है ब्रज भाषा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा? बादल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 17 कहता है प्रमेघन अपना आदर्श किसे मानते थे। प्रमेघन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो भारतेंदु को। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो इसका तथा तथ इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 19 कहता है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेगूसराय। राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है। अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा, तो वृक्ष को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है गरीब बस्तियों में क्या हुआ। गरीब बस्तियों में क्या हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धमाके से देवी जागरण। धमाके से देवी जागरण। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 कहता है गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ, प्रस्तुत पदांश के कवि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनामिका डी, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रयाग शुक्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 कहता है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जर्मन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक है श्रीनिवास। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 27 धाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। धाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो मंगू की माँ को 4 संतानें थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखेंगे क्वेश्चन 29 कहता है नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो तमिल, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 कहता है धरती कब घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है प का उच्चारण स्थान है सी, ओट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 कहता है सफल का भाववाचक संज्ञा है सफलता, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन 35 कहता है स्नेह को मारक रेखांकित शब्द कौन कारक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संबंध। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है अनुज शब्द में उपसर्ग है, अनु, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 कहता है आई प्रत्यय से बना शब्द है उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है नदी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तटिनी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 39 कहता है उदय का विलोम है अस्त। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 40 कहता है
हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है, पास पैसा न होना। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 41 कहता है स्वागत का संधि विच्छेदन निम्न में से कौन सा होगा। स्वागत का संधि विच्छेदन निम्न में से कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सी, सुजोड़ आगत। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 42 कहता है जन्म मरण में कौन सा समास है। जन्म मरण में कौन सा समास है, द्वंद, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 43 कहता है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।